ये पूरा घर से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने एग्जाम पे हीट दिख रहा है ना, अब ये हीट था हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, यही क्रम पूरा हमारा किचन में लगता है। देखो लास्ट गिरने वाला है और ये गिर गया। ट्रांसफर आप हीट में कुछ ज्यादा नहीं है, ये पूरा घर से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि गैस जल रहा है, गैस पे क्या रखा हुआ है, तावा रखा हुआ है। हाँ ठीक है, तावा रखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या होता है थोड़ी देर बाद पूरा तावा वो गर्म हो जाता है, फिर जब उसके सामने हम अपना हाथ लेके आते हैं तो हमें क्या फील होता है, हीट फील होता है कि नहीं नॉर्मली। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर रोटी बेल के डाल देते हैं, फिर रोटी की क्रम शुरू होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे बर्तन में क्या, अभी ने एग्जाम्पल दिया कि हम कुकर हीट होता है, उसके बाद चावल बनता है। मतलब किचन का जो भी काम देखो, दाल बनाने का काम किस पे आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट पे आता है कि नहीं। चावल बनाने का काम ट्रांसफर ऑफ हीट पे है। चाय बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्राई पैन को गैस के ऊपर रखोगे, पानी डालोगे उसमें, गैस जलाओगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पहले वो जिस बर्तन में पानी रखेंगे उसमें हीट होगा, फिर उसके बाद वो पानी गर्म होगा। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट से। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, चाय पीने वाले सबको पता होगा, चाय ग्लास में डालते हो पूरे ग्लास हीट हो जाती कि नहीं। मान लो अगर ये ग्लास है, ठीक, ग्लास में चाय रख दिया, फिर यहाँ पकड़ना नीचे पकड़ना बॉटम पे मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चाय की जो हीट थी वो आ गई ग्लास में, स्टील में, ये पकड़ना टफ हो गया। ये कैसे हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट से। अब आपकी बुक में क्या दिया गया है कि एक रॉड ले लो और रॉड में मोम लगा दो, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। रॉड ले लो और उसको रॉड को किसी ऐसे ही इसके बीच में फंसा दो, जैसे दो ईंट के बीच में, ब्रिक के बीच में फंसा दो, नीचे बर्नर जला दो या गैस पे कर लो, घर पे करना चाहते हो घर पे कर लो, बट रॉड को पकड़ना नहीं। देखो यहाँ पे पकड़ते थे तावे को, तो वहाँ पे लकड़ी का हैंडल लगा होता है, अभी वो समझेंगे लकड़ी का हैंडल में वो होता क्या है और उसमें हीट कहीं नहीं जाती, वो समझेंगे। तो रॉड को दोनों के बीच में रख दो और यहाँ रॉड पे मोम लगा दो, उसमें बताया गया है कि रॉड पे स्टार्टिंग पॉइंट से मोम लगा दो। मोम लगाओगे जैसे यहाँ पे हीट कर रहे हो रॉड को, यहाँ पे मोम लगा दो, यहाँ पे मोम लगा दो, यहाँ पे मोम लगा दो, यहाँ पे मोम। मोम को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, हाँ वैक्स बोलते हैं, कैंडल तो बोलते हैं वैक्स बोल। तो यहाँ बुक में दिया गया आपकी वैक्स लगा दो। वैसे नॉर्मली एक्सपेरिमेंट पूरा कैंडल बेस्ड है कि आप कैंडल का ले लो, उसे ब्रिक में, मतलब उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो लगा दो, ये वैक्स लगा दोगे तो जब ट्रांसफर ऑफ हीट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफ़र होता जा रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे हीट होगा सबसे पहले, हाँ ये पिघल के गिरना स्टार्ट कर देगा। जब यहाँ पे हीट यहाँ पहुँचेगी, जैसे चाय की हीट ग्लास में पहुँची थी, वैसे यहाँ की हीट यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, तो जो मोम लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा सब। इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ध्यान रखना आगे क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जिस ऑब्जेक्ट में हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, तवे में क्या हो रहा था कि इसकी जो लकड़ी की हैंडल थी उसमें हीट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा था, है कि नहीं, लकड़ी में ट्रांसफ़र हीट नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, किस कैटेगरी में आएगा, इंसुलेटर में। और जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो किस पे होगा, एक रॉड होगी, किसकी, आयरन की रॉड होगी, ये रॉड किसकी होगी, हाँ अगर हमने रॉड ले लिया कहाँ, किसका, लकड़ी का, तो उस पर ट्रांसफ़र हीट नहीं होगी, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र हीट होती तो हम तावे पर रोटी सेक सकते थे, तावे पकड़ के पकड़ते ही हाथ क्या हो जाता, वो जो मसल्स थी वो तावे में चिपक जाती। अरे गर्म, हाँ हमारी बॉडी कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम टच कराते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ है, पानी भी है, खाना भी है, मतलब पूरे बॉडी में तो ही वाटर है, तो हमारे अंदर सब कुछ है कि जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। ये नॉर्मली बॉडी कंडक्टर में आएगी। इंसुलेटर में, इंसुलेटर कहते क्या है, जिस चीज़ में ध्यान से ये देखो, अभी एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त हमने समझ लिया ना यहाँ पे, और इसी चीज़ से रिलेट करो कि किससे, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है, सॉरी प्लास्टिक में, प्लास्टिक पिघलना शुरू होता है, वो डायरेक्ट पिघलना शुरू होता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, प्लास्टिक का लोग एतराड, वो थोड़ी देर बाद पिघलना शुरू हो जाता है, वो बट कित में आता है, इंसुलेटर में आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती, हीट भी नहीं पास होगा, वो डायरेक्ट पिघलना शुरू कर देता है वहीं से, ठीक है। और ये जितने भी, चाहे आयरन हो गया हमारा, और कौन सा मटेरियल बोलो भाई, स्टील के मटेरियल में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, जस्ता होता है, कॉपर होता है, जितने भी किचन के मटेरियल देखो, कुकर देखो, कुकर में ब्लैक रंग का बेकेलाइट लगा होता है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होता,
हाँ नहीं, बैकेलाइट एक दूसरा मटेरियल है, प्लास्टिक अलग चीज़ होता है, प्लास्टिक पिघल जाएगा। प्लास्टिक भी टू टाइप्स के होते हैं, वो देखेंगे हम, वो अलग टॉपिक है, उस पर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमें कंडक्टर इंसुलेटर समझना था। अब इन दोनों से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, एक तो एक्टिविटी ये है और दूसरी एक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर से जुड़ा हुआ है, उसको भी करने वाले इसके बाद में। पहले ये वाली एक्टिविटी करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट किससे जुड़ा हुआ है? कंडक्टर इंसुलेटर। हाँ, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगा उसको क्या कहेंगे? कंडक्टर। हाँ, सिंपल से देखो, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोल देंगे कंडक्टर, जिसमें नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या हो रहा है, नॉट ट्रांसफ़र लिखोगे। क्या नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे? हीट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं, जहाँ पे हीट दिख रहा है ना, अब ये हीट की, अच्छा एक बात यहाँ पॉइंट नोट करना, हीट का जो ट्रांसफ़र है हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। देखो पहले क्या थी रॉड, यहाँ पे कोल्ड थी, अब यहाँ पे क्या रॉड, पहले यहाँ पे हीट हुई तो हॉट से कहाँ जा रही है, कोल्ड की तरफ बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना यही क्रम पूरा हमारा किचन में लगता है। देखो लास्ट वाला, जैसे ही यहाँ पे हीट पहुँचेगी ऑटोमेटिक ये मोम क्या होगा, पिघल के। हाँ अरे हो रहा है, वेट करो, गिरने वाला है और ये गिर गया। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है।